भोजन को यज्ञ बलि कहा जाता है। भोजन के माध्यम से यह जो शरीर के अंदर जठराग्नि के रूप में दैवी शक्ति विराजमान है वो ग्रहण करती है। अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ता देव जनार्दनः एवं ज्ञात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। जो लोग अन्न को ब्रह्मा के रूप में मानते हैं और उसमें जो रस विद्यमान है वह विष्णु है और उसको भोग करने वाले, उसे ग्रहण करने वाले स्वयं भगवान शंकर हैं, यह भाव अन्न के प्रति होना चाहिए। और जो लोग इस भाव से अन्न को ग्रहण करते हैं तो उन्हें अन्न का दोष कभी व्याप्त नहीं होता है। अन्न देव का मंत्र है ये, इस मंत्र को ही बोल करके अन्न का ग्रहण करना चाहिए और तब वह अन्न प्रसाद बन जाता है। हरदम भोजन पवित्र स्थान पे करना चाहिए, कभी भी बिस्तर में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, अपवित्र जगह पे भोजन नहीं करना चाहिए, चप्पल जूते पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करना भी एक तरीके की साधना है, भगवान की पूजा है, जिसके माध्यम से आपके देह में विराजमान परम ब्रह्म परमेश्वर की तृप्ति होती है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में विद्यमान है और उस आत्मा के पोषक